गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1.5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। लेट एक तो ए मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका हमने ऑर्डर ले लिया है सपोज एम बाई एन, और एक बी मैट्रिक्स ले लिया हमने बी आई जे, जिसका ऑर्डर ले लिया हमने एन बाई पी। देखिए यहाँ पर ना ये ज़रूरी है कि ये वाला एन और ये वाला एन आपके सेम हो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और नंबर ऑफ रो ऑफ बी मस्ट बी सेम, तभी हम ये प्रोडक्ट कर पाएंगे। अब देखिए कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या होगी, तो देन ए बी, इसको हम सपोज ले लिया हमने सी आई के। अब ये सी आई के क्या है, सी आई के हमने नया नंबर बनाया है जो इनकी एंट्रीज है उन्हीं से बनेगा। सी आई के बराबर हो जाएगा समेशन जे फ्रॉम वन टू एन और ए आई जे और बी जे के। अब देखिए इसको हम समझते हैं एग्जांपल लेकर के, समझो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है यहाँ पर जिसमें हमने ले लिया है 1, 2, 3 और यहाँ पर ले लिया जैसे 4, 5, 6। एक मैट्रिक्स और ले लीजिए जैसे हमने 2, 1, 3, 5, 7, 0। देखिए हमने ये दो मैट्रिक्स ले ली हैं। अब इसमें देखिए पहले वाले का जो ऑर्डर है वो क्या ऑर्डर है, 2 बाई 3, यानी दो रो हैं और तीन कॉलम हैं। इसमें आप देखें तो तीन देखिए रो हैं, कॉलम चाहे कितने भी हों, तो यानी कि हमें देखना है कि ये वाला और ये वाला आपके पास सेम है या नहीं है, वो सेम है। देखिए अब यहाँ पर ये कैसे बनेगा, देखिए इसमें फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपके पास यहाँ पर फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो वाली एंट्री आएगी। तो वन को हमने मल्टीप्लाई करना है इस टू के साथ, इस टू को मल्टीप्लाई करना हमने थ्री के साथ, इस थ्री को मल्टीप्लाई करना हमने सेवन के साथ, तो ये आपके पास फर्स्ट एंट्री आ जाएगी। उसी तरह से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला नंबर आएगा। वन को वन से करेंगे प्लस सेकंड को सेकंड से करेंगे और थर्ड को थर्ड से करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब ये तो फर्स्ट रो की बात होगी, अब सेकंड रो का नंबर आता है तो सेकंड रो को अब पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 4 को 2 से करेंगे, 5 को 3 से करेंगे और 6 को 7 से करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेकंड रो को अगर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम में जो जगह है वहाँ पे एंट्री आएगी, तो 4 को करेंगे 1 के साथ, इस 5 को करेंगे इस 5 के साथ, इस 6 को करेंगे 0 के साथ। तो इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है समेशन ए आई जे बी जे के। तो देखिए कितना आता है, 2, 6, 21। ऐसे यहाँ पर ये 1, 10 और 0, ये 8, 15, 42, 4, 25 और 0, यानी मैट्रिक्स बन गया हमारे पास 2 और 6, 8 और ये 29, 10 और 11, 42 और 8, 50 और 15, 65, 25 और 4, 29। अब देखिए इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या बच गया, 2 बाई 2, यानी जो बीच वाला 3 था वो तो गायब हो गया और जो बच गया ना 2 और ये 2, तो वो इसका ऑर्डर आ गया। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होती है।